यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे हम F12 में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर एंट्री के फीचर्स। तो आप देखोगे इसके अंदर सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। तो हमने टैली ओपन की, तो उसके अंदर हम क्या ओपन करेंगे, F12। तो इसमें हम वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर गए, हमारी जो टैली थी हम उसे ओपन करेंगे ओल्ड प्लस F3 से। सिलेक्ट कंपनी में गए हम, हमारी कंपनी कौन सी थी, राहुल, तो उसमें हमने राहुल करा और इसमें पासवर्ड डाल दिया 123। उसके बाद हमने एस्केप किया, हम गए F12 के अंदर, हमारे अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो थी, उसके पूरे टॉपिक हो चुके थे। तो आज हम करेंगे वाउचर एंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो हम काम करेंगे वाउचर एंट्री, जैसे कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, पेमेंट, शिफ्ट, जर्नल, ये सब हमारी वाउचर एंट्रीज होती हैं, वाउचर्स होते हैं, उसके अंदर जो हम काम करेंगे वो हमारी एंट्रीज होती हैं। तो इन उन सब पे किस किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ के यस या नो करने से, मतलब क्या वाउचर के ऊपर इफेक्ट होगा हमारा यहाँ से, तो देखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा ओपन हो गया, वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास देखो यहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं अकाउंट्स के, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इन्वेंट्री के, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब का जो इफेक्ट है वो अकाउंट्स पे पड़ेगा और इनका इन्वेंट्री के ऊपर पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्किप डेट फील ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। इसका मतलब क्या होता है, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना, डेट को ड्यूरिंग क्रिएशन, जब हम क्रिएशन करें एंट्री करनी है हमने, एंट्री कौन सी, फास्टर एंट्री, मतलब कि हम जल्दी में कोई एंट्री करना चाहते हैं तो वहां पर हमारे डेट के ऊपर कर्सर भी ना जाए। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑलरेडी ही यस है हमारा, और हमने इसको यस करके क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और हम बैक गए एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करके और वाउचर एंट्री के ऊपर गए। तो आप देखोगे कि आपका कर्सर सीधा ही पेमेंट में बाय के ऊपर आ गया, क्योंकि हमने उस ऑप्शन को क्या किया था, यस किया था कि आपका जो कर्सर है वो डेट के ऊपर नहीं गया, हम फास्टर एंट्री के अंदर काम कर रहे थे, आपको यहाँ पे किसी को पेमेंट देनी है तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करके या परचेज करनी है तो कर सकते हो। देखो आपका कर्सर डेट के पास नहीं गया। और अगर हम उस ऑप्शन को, अगर हम उसी ऑप्शन को यहाँ पर वाउचर के अंदर, वाउचर एंट्री के अंदर यहाँ पर हम नो कर देते, नो करके एक्सेप्ट कर देते, कर दिया, अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि आपका कर्सर सीधा ही डेट के ऊपर चला गया, क्योंकि हमने उसके अंदर उसको स्किप नहीं किया, हमने कहा है कि डेट के ऊपर जाना है, हमने नो कर दिया। अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है, डेट का ध्यान नहीं रखना है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो, उसे आप तो एंटर करने की जरूरत नहीं है, आपका कर्सर सीधा ही बाय पे आ जाएगा। और अगर आपको डेट पे काम करना है तो आप इस ऑप्शन को नो रखोगे। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, हम गए वाउचर एंट्री के अंदर, तो आप देखोगे कि हमारे पास ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा, मतलब कि इस ऑप्शन का यूज तीन तीन वाउचर के ऊपर पड़ेगा, पेमेंट F5, रिसीप्ट F6, कॉन्ट्रा F4। तो हम सिंगल एंट्री मोड का मतलब क्या होता है, हमने इसको यस कर दिया, क्योंकि यूज तभी होगा जब हम इसे यस करेंगे, हमने इसको यस किया और इसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सेप्ट करके हमने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आए, तो आप F4 पे क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे 2 बाय आना बंद हो गया और ऊपर अकाउंट आना शुरू हो गया,
ऐसा ही आपको F5 के अंदर भी दिखेगा और ऐसा ही आपको F6 रिसिप्ट के अंदर भी दिखेगा। तो अब इसके अंदर हम काम कैसे करेंगे वो सीखेंगे तीनों के अंदर। जैसे अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर या तो कैश आता है या बैंक आता है। जैसे अभी हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं रिसिप्ट की, तो आप देखोगे यहाँ पर रिसिप्ट है तो मतलब कि कैश तो ऊपर ही आएगा, अकाउंट आ गया। तो हमने यहाँ पे सी यहाँ पे डेट डालेंगे 2020 एंट्री कर दी। देखो बैंक और कैश को ही उठाएगा, यहाँ पर किसी के नाम को नहीं उठाएगा। तो हमने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट किया। जैसे हमने सेल करनी है तो आप यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करा तो कितने का नेम ऑफ आइटम क्या करना है, एलईडी सेल करनी है, कौन से गडाउन से, करनाल से, एक पीस, तो हमने कहा कितने का, 3500 रुपए का एक ही करना था एलईडी। तो आप देखोगे यहाँ से एंट्री एक्सेप्ट होगी हमारी, ठीक है। तो देखो आपको टू और बाय यहाँ पे नहीं डालना पड़ा। ऐसे ही हम एंट्री पेमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए, F5 को प्रेस किया, यहाँ पे आपसे सिर्फ कैश या बैंक ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कैश ले लिया, अगर आप बी प्रेस करते तो बैंक भी आता, क्योंकि हम पेमेंट दो ही चीजों से कर सकते हैं, या तो कैश से या बैंक से, और कोई तरीके से कोई पेमेंट नहीं होगी, या तो पैसे कैश जाएंगे या बैंक से जाएंगे। हमने बैंक को सिलेक्ट किया, पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कहा फर्नीचर खरीद रहे हैं, किसी को पेमेंट दे रहे हैं, तो किसको पेमेंट देते हैं, क्रेडिटर्स को देते हैं, तो हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स बना लिए। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स बनाना चाहते हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप कोई लेजर या कोई आइटम कोई ग्रुप बनाना भूल जाते हो तो वहीं पे बैठे जहाँ पे चाहिए वहां पर ओल्ड प्लस सी कर दो। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लेजर चाहिए किसका, क्रेडिटर्स का। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड प्लस सी किया तो मेरा कर्सर लेजर पे ही जाएगा, आइटम पर नहीं जाएगा, यूनिट्स पर नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखा, तो देखो सेंट्री क्रेडिटर्स को डाल दिया। आप देखोगे यहाँ पर इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और उसने वहां पर उसे ऑन अकाउंट इसलिए उठा रहा था क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट, 500 रुपए, ठीक है। देखो टू और बाय के बिना एंट्री हो गई है हमारी, ठीक है। बैंक से रिलेटेड एंट्री थी इसलिए आपने देखा होगा कि चेक के बारे में भी बता रहा था, ये चेक की रेंज वगैरह जो भी इंस्टॉलेशन नंबर है आपका वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये तो थी हमारी ऐसे ऐसे ही सेम आप कॉन्ट्रा के अंदर भी कर सकते हो। कैसे, ओल्ड प्लस F4 के अंदर गए हम, सॉरी F4 में गए, यहाँ पे क्या करेंगे, कैश बैंक के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास, ये ऑप्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, सिंगल एंट्री में काम करना आ गया हमें टू और बाय में, ठीक है। उसके बाद आता है यूज पेमेंट रिसीव्ड एज कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप देखोगे कि पेमेंट और रिसीव्ड एज कॉन्ट्रा वाउचर, मतलब कि पेमेंट और रिसीव्ड के अंदर हमने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पेमेंट और रिसीप्ट को हम कॉन्ट्रा वाउचर की तरह यूज करेंगे। तो हमने ऑप्शन के अंदर गए, अभी हमने इस ऑप्शन को यस नहीं किया था तो हमने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, यस कर देंगे। तो हमने F12 में जाकर इस ऑप्शन को हम यस करा, तो हमने इस ऑप्शन को यस किया और इसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आकर कि हमने यहाँ पे पेमेंट के अंदर गए, यहाँ पे कैश लिखा आ गया और यहाँ पे अब बैंक लिखा, एंट्री हो रही है। देखो 20,000 रुपए से एंट्री हो रही है हमारी, एक्सेप्ट होने के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसे ही हम रिसिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं एंट्री अब F6 के अंदर। इसने क्या बोला, पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर एज ए कॉन्ट्रा की तरह काम करना है। तो देखो रिसिप्ट के अंदर भी कैश भी आ गया और यहाँ पे बैंक भी आ गया,
नहीं तो ये दोनों चीजें शो ही नहीं होती इकट्ठी। तो हमने क्या किया, F12 में गए, वाउचर एंट्री के अंदर गए, तो हमने क्या किया, इस ऑप्शन को नो कर दिया। क्या कर दिया, इस ऑप्शन को नो कर दिया, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब आप कॉन्ट्रा एंट्री हम पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस ऑप्शन को नो कर दिया। आपने कैश ले लिया, अब आपका यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, ना तो पेमेंट के अंदर आएगा ना ही रिसिप्ट। देखो रिसिप्ट में भी नहीं आया था, यहाँ पे अगर आप बैंक ले रहे हो तो नीचे कैश नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उस ऑप्शन को यस कर रखा था तो ही हम पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यस और नो करने से ही सारा रिजल्ट आता है। तो हमने F12 में गए हम वापिस से वाउचर एंट्री, तो आप देखोगे यहाँ पर यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। अगर आपको टू और बाय वहां पे आ रहा था, उसकी जगह पर अगर आपको क्रेडिट और डेबिट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यस कर दोगे। तो सबसे पहले टू और बाय देखने के लिए अगर हम इस ऑप्शन को यस भी कर देते हैं तो हमें वहां पे अभी भी क्रेडिट और डेबिट नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम कर रखा है। क्या कर रखा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, सिंगल एंट्री सिस्टम कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे टू और बाय दिखाई नहीं दे रहे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टू और बाय को हटाने, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को हटा के आएंगे। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन यूज होंगे हमारे, हम वाउचर एंट्री के अंदर गए, सिंगल एंट्री के अंदर हमने इस ऑप्शन को नो कर दिया और हमने इसको एक्सेप्ट किया। तो देखो डेबिट और क्रेडिट, पहले टू और बाय आते थे, अब डेबिट, आप यहाँ पे कोई भी चीज डेबिट करोगे, तो जैसे हमने यहाँ पे कोई भी चीज को डेबिट कर दिया ड्रॉइंग्स को, कितने से, 4000 रुपए से, तो देखो नीचे क्रेडिट आ गया। पहले क्या आ रहा था, टू और बाय। अगर हम उस ऑप्शन को यहाँ पर देखो वाउचर एंट्री के अंदर, अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ से, तो वहां पर एक्सेप्ट कर दिया, काउंटिंग वाउचर के अंदर बाय और टू आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर बाय और टू आ गया। यस करने से क्या आता है, क्रेडिट एंड डेबिट आता है, और नो करने से फ्रीचर एंड कैश, सॉरी बाय और टू आ जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं कौन सा है। तो हम वाउचर एंट्री के अंदर गए, तो हमने देखा नेक्स्ट ऑप्शन, इनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप देखोगे हम इस ऑप्शन को अगर यस कर देते हैं तो आप जब बैंक की एंट्री करते हो तो यहाँ पर चेक प्रिंट दिखाता है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए, तो हमने यहाँ पे F4 किया, बैंक की एंट्री है, हमने बैंक को लिया कितने से, 6000 रुपए से। देखो आपको चेक की प्रिंटिंग दिखा देगा, और कई बार नो करने के बाद भी दिखाता है क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास F11 में भी और F12 में भी। तो जो ये चेक प्रिंटिंग का है इतना यहाँ से इतना ही होगा, बाकी जैसे अभी इसमें ई फंड ट्रांसफर दिखा रहा है, देखो पूरी की पूरी डिटेल दिखा देगा आपको। ई फंड ट्रांसफर 6000 रुपए से, आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, जैसे मैंने ये डाल दिया 045400। जैसे अभी PNB का है तो हमने यहाँ पर PUNB 2000 हमने कहा 100 है, IFS कोड हमने वैसे ही डाला है। तो आपको ये देखो ये बता रहा है कि ये एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा है, तो हमने इसको एंट्री कर दी। बैंक कौन सा है, PNB, यहाँ पे स्पेसिफाई कोई बैंक लेना चाहते हो बैंक नेम तो यहाँ पे डाल सकते हैं, हमने कहा PNB। तो आपको यहाँ पे PNB, इंस्टॉलमेंट कौन सी है, 1 है, कौन सी डेट की है, तो देखो इसकी आपको डिटेल दिखाएगा, ठीक है, आपकी एंट्री हो सकती है, ये पूरी डिटेल दिखा देगा आपको। उसके बाद आता है अगर नो कर देंगे तो नहीं दिखाएगा। फिर आता है हमारे पास F12 के अंदर गए, वाउचर एंट्री के अंदर,
हमारा ये ऑप्शन हो गया है नेबल चेक प्रिंटिंग, प्रिंट कर सकते हैं हम इसको पूरा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। उसके बाद आता है मोर नॉन नेगेटिव कैश बैलेंस, आप ये सभी ऑप्शन कर भी रहे थे मोर नॉन नेगेटिव कैश बैलेंस। जैसे हमने इस ऑप्शन को यस कर रखा है और आप इसे एक्सेप्ट कर देते हो, आपके पास हम ये देख लेंगे कि कैश का बैलेंस कितना है। अगर जितना बैलेंस कम है, जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट के अंदर, अब पेमेंट के अंदर ही करेंगे, रिसिप्ट के अंदर करेंगे तो एंड पैसे तो आएंगे, इसलिए हम उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो हम पेमेंट के अंदर करेंगे कि हम पेमेंट दे रहे हैं किसको, क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो हमने कहा न्यू रेफरेंस कितनी, 5 लाख रुपए, हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए डाले। एंड ऑफ लिस्ट टू कैश अकाउंट, कैश का तो देखो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया, कितना से दिखा रहा है, जो भी इसका नेगेटिव बैलेंस है 10,03,650 रुपए से। तो ये इसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है 10,03,650 रुपए से, तो देखो ये नेगेटिव फॉर्म कर रहा है हमें। अगर हम इस ऑप्शन को वहां से नो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर हम फॉर नो नेगेटिव कैश बैलेंस को नो कराते हैं और फिर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे पेमेंट के अंदर, वही सेम एंट्री न्यू रेफरेंस कितने से, 5 लाख रुपए से ही कर रहे हैं। देखो कैश दे रहे हैं, आपको कोई भी मैसेज नहीं देगा क्योंकि हमने उसको वॉर्न करने के लिए नो कर दिया है। अभी आपको, आप कुछ भी करो आपको वॉर्न नहीं करेगा। उसके बाद आता है वाउचर एंट्री के अंदर गए, फिर आता है प्री ओलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जर्नल वाउचर। क्या है, पेमेंट के अंदर, रिसिप्ट के अंदर और जर्नल वाउचर के अंदर, मतलब कि F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल वाउचर के अंदर प्री ओलोकेट बिल दिखा दो, मतलब कि आपको अमाउंट डालनी ना पड़े, पहले से ही बिल जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो, किसी से ले रहे हो, वो आपको अमाउंट पहले ही दिखा दे। और ये ऑप्शन जो है आपके तीनों वाउचर के अंदर दिखाई दे, ठीक है। तो हमने एग्जांपल के लिए सबसे पहले कहा कि अगर हमने रिसिप्ट या परचेज जो भी करनी है, हम वाउचर के अंदर गए तो हमने पहले कहा कि हम सेल कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर सेल कर दी। हमने सिंगल एंट्री के अंदर काम करना सीखा था पिछली क्लास में, तो हमने यहाँ पे बिल नंबर दे दिया 5। पार्टी नेम के अंदर हमने यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, डेटर। तो हमने ओल्ड प्लस सी से डेटर बनाया शॉर्टकट की से, तो यहाँ पे क्या बन गया, सेंडरी डेटर, मतलब कि अब हमने पैसे लेने होंगे, बिल बाय बिल को यस करके आएंगे, बाकी को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब देखोगे डेटर वहां पे शो कर दिया इसने, अब हम क्या कर रहे हैं, सेल। तो हमने सेल किया डेटर्स को कितने का, 30,000 रुपए का। हमें जब पेमेंट मिलेगी तो जरूरी नहीं है कि हमें हर किसी की याद हो, डेली का काम होता है, तो अब जब सेल कर दी तो पेमेंट भी आएगी। तो रिसिप्ट में एंट्री कर रहे हैं हम, तो हम F6 के अंदर गए, तो आप एंट्री के अंदर देखोगे अब पेमेंट आएगी तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जैसे ही मैं डी प्रेस करूंगी डेटर्स पे एंटर करूंगी, और देखो अगेंस्ट रेफरेंस में बिल ऑटोमेटिक उठा लेगा 30,000 रुपए से, तो हमें अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर ये ऑप्शन नो हो जाए, अगर यही ऑप्शन नो हो जाए वाउचर एंट्री के अंदर रीअलोकेट का, अगर हम इस ऑप्शन को नो कर दें और अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब हमने यहाँ पे डेटर्स डाला, वही एंट्री कर रहे हैं सेम, तो देखो सीधा हमसे अमाउंट मांग रहा है। मैंने यहाँ पे 3,000 डाल दिया, तो देखो यहाँ पे 30,000 है, इसने 3,000 को कर दिया और बाकी 27,000 को डेबिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस के अंदर शो कर देगा। अगर हमने लेना ही 30,000 था लेकिन मुझे पता ही नहीं था, हमें याद ही नहीं था, तो हमें बैग जाके ठीक करना पड़ेगा, फिर ये दोबारा से बिल उठा लेगा, ₹30,000।
एंट्री नहीं हो रही सही, हमें वाउचर के अंदर जाके वापिस से गएंगे। बिल उठाने की, बिल नहीं दिखा रहा था बाद में, फिर कैश। ठीक है, देखो बिल बाद में दिखाया था और अमाउंट पहले मांग रही थी। अगर हम उस ऑप्शन को यस कर देते तो पहले क्या दिखाता, बिल दिखाता और अमाउंट डालने की हमें जरूरत ही ना हो। उसके बाद आता है हमारे पास, फिर हम गए इधर हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर एंट्री के अंदर। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पर ये एंट्री थी प्रीएलोकेट वाली। उसके बाद आता है अभी जो हमने एंट्री की थी जैसे रिसिप्ट में की थी वैसे पेमेंट और जर्नल के अंदर भी होगी। फिर आता है अलो कैश अकाउंटिंग जर्नल वाउचर। अगर ये ऑप्शन आपका नो है, अगर ये ऑप्शन आपका नो है तो आप जर्नल के अंदर कहीं पे भी कैश नहीं लिख सकते। आपने एक्सेप्ट करा, आप F7 किया, जर्नल के अंदर गए, आपको यहाँ पे कैश चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आ रहा। और अगर मैं उस ऑप्शन को यस कर दूं कि हम जर्नल के अंदर कैश की एंट्री करना चाहते हैं तो हमने वाउचर एंट्री के अंदर लो कैश की इन जनरल वाउचर के अंदर भी अलाउड कर दिया, यस कर दिया और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद गए हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो आपने देखोगे आप यहाँ पर कैश और बैंक दोनों आ गए हैं, कैश भी आ गया। देखो कैश को भी सिलेक्ट कर सकते हो और अगर बैंक को करना चाहो तो बैंक को भी कर सकते हो। पहले हमारे पास कैश भी नहीं आ रहा था और बैंक भी नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही हमारे पास, हम नेक्स्ट देखेंगे क्या टॉपिक है उसके अंदर, F12 के अंदर वाउचर एंट्री में जाएंगे। अलो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज वाउचर। हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाहते हैं परचेज वाउचर के अंदर, तो हमने इस ऑप्शन को नो किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम खरीद सकते हैं या नहीं पहले, क्योंकि क्या पता खरीद भी सकते हूँ, कंफर्म करते हैं। हम परचेज के वाउचर पे गए और हमने यहाँ पर देखा, इनवॉइस नंबर डाला, पार्टी नेम के अंदर हमने यहाँ पे बैंक डाल दिया कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, फर्नीचर शो कर रहा है। और जबकि जब हम ऐसी कोई एंट्री करते हैं, ये देखो यहाँ पे इसने शो कर रहा है ना, बट हम इसको ऐसे एंट्री नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे में ये आइटम के अकॉर्डिंग उठा देता है। हमें कैसे करना है, अकाउंटिंग वाउचर में गए और हमने इस इनवॉइसिंग को नो कर दिया। तो हमने इस इनवॉइसिंग को कैसे नो करना सिखाया था आपको, हमने F11 के अंदर जाएंगे, हम F11 के अंदर जाएंगे और इनवॉइसिंग को नो करके आएंगे। हमें उसके अंदर खरीदना है तो हमने इसको नो कर दिया। अगर आप इसके अंदर करोगे तो एंट्री हो जाएगी, तो हमने इसको नो किया सबसे पहले और हम बाहर आ गए, अकाउंटिंग वाउचर पे गए, परचेज बिल नंबर डाला 82, बैंक से लेना चाहते हैं 2 के अंदर कितने का, 4000 रुपए का फर्नीचर। एफ प्रेस करा, शो नहीं हो रहा, देखो हम फर्नीचर नहीं खरीद सक रहे। और अगर हम उस ऑप्शन को यस कर दें, अगर हम उस ऑप्शन को यस कर देते हैं कि हम परचेज के वाउचर में एसेट्स को खरीद सके, तो हमने इसको यस कर दिया। देखो सिंगल एंट्री में हो रहा था, हमें डबल एंट्री के अंदर चाहिए, तो हम देखो अब कर सकते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पे बिल नंबर डाला, यहाँ पे कैश से खरीद रहे हैं हम, तो हम कितने का, 30,000 रुपये का। और देखो हम यहाँ पे फर्नीचर भी आ जाएगा हमारा, देखो हमारा फर्नीचर आ चुका है, देखो हमने परचेज के अंदर फर्नीचर की एंट्री कर ली है। देखो सिंगल एंट्री के अंदर हम बिना यस करे भी एंट्री कर सकते हैं फर्नीचर की परचेज के अंदर, लेकिन हमें डबल एंट्री के अंदर करना है टू और बाय के अंदर, तो हमें F12 में कॉन्फिगरेशन के अंदर वाउचर एंट्री के अंदर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज के अंदर यस करके आना पड़ेगा, तो ही हम इसे खरीद सकते हैं, नहीं तो हम इसे नहीं खरीद सकते। डबल एंट्री में खरीदना चाहते हैं तो हमें इस ऑप्शन को यस करना ही पड़ेगा। अगर हम अब इस ऑप्शन को नो कर देते हैं
हम अगर अभी इस ऑप्शन को नो कर देते हैं। F12 के अंदर गए, वाउचर एंट्री के अंदर हमने कहा हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली है, देखो अब नो कर दिया, हमने एक्सपेंसेस की तरह शो करना था तभी हमने इसके अंदर की। तो अब देखना आप यहाँ पे बिल नंबर डालोगे 2, हमने यहाँ पे कैश ले लिया 2200 रुपए का, फर्नीचर शो नहीं करेगा, ठीक है हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, F12 में गए वाउचर एंट्री के अंदर, तो आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लो इनकम अकाउंट्स इन सेल वाउचर, इनकम अकाउंट्स इन सेल वाउचर, सेल वाउचर की हमें एंट्री करनी है किसके अंदर, सेल वाउचर के अंदर इनकम की एंट्री करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे, तो हमने इसको यस किया यहाँ पर और इसे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, F8 के अंदर जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सेल का वाउचर, और हमने सेल करनी है किसको, आइटम को, तो हमने यहाँ पर स्क्रैप बना लिया, एक्सपेंसेस है क्या बोल रहा था ये देख के आते हैं दोबारा से, इनकम है हमारी, जैसे हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो अब जब कोई फिक्स्ड एसेट्स होती है तो हम उसको सेल कर देते हैं, कब सेल करते हैं, जब उसकी स्क्रैप वैल्यू बच जाती है, स्क्रैप वैल्यू जैसे कोई ऐसे जैसे फर्नीचर है, इसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब कि अब ये यूज करने के लायक नहीं रहा, तो हम उसे ऐसे बेच देते हैं, जैसे कोई साइकिल है अब वो यूज करने के लायक नहीं रही तो हम उसे कबाड़ी वगैरह को बेच देते हैं, तो उसकी वो सबसे कम वैल्यू होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो हम इसको यस कर दिया, तो अब हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे लेजर, हमने किसको इनकम को करना है सेल के अंदर, वैसे तो हम सिर्फ सेल करते हैं, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप को बेच रहे हैं, किसके अंदर जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, हमने इसको इनडायरेक्ट इनकम ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और हमने देखा होगा कि F12 के अंदर भी हम वाउचर एंट्री के अंदर उसको यस करके आए हैं, इनकम की एंट्री कर रहे हैं, काउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर यहाँ पर, तो हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया हमने 7। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेल करेंगे तो जो चीज जाएगी, अब पैसे कहाँ आएंगे, कैश आएगा, देखेंगे देखो यहाँ पर कितने से, 6000 रुपए से, स्क्रैप वैल्यू इनडायरेक्ट इनकम है, देखो एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर देते, हम बैक गए, अगर हम F12 के अंदर इस ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, वाउचर एंट्री के अंदर नो कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू को नो कराए कि सेल के अंदर इसकी एंट्री ना हो, तो हमने यहाँ पे दोबारा से डाला, कैश ले लिया कितने से, 8000 रुपए से। अब आप देखो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को शो नहीं करेगा, क्योंकि अब हम सेल के अंदर इनकम की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस ऑप्शन को नो कराए। अगर हम उस ऑप्शन को अभी यस कर दें तो उसको ये शो कर देगा। जब भी हम ऐसी कोई एंट्री करते हैं तो ये ध्यान रखना, डबल एंट्री मोड में करेंगे, टू और बाय में करेंगे, ठीक है, या डेबिट क्रेडिट में भी कर सकते हैं, पर सिंगल एंट्री में नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे, देखो अब ये एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश के अंदर भी हो जाएगी और बैंक के अंदर भी हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू शो कर दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, तो आपने देखा था हमने F12 के अंदर सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, बीच में कुछ नहीं छोड़ा अकाउंट्स के, यहाँ इस ऑप्शन तक। तो जो आगे के ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का जो ऑप्शन था लास्ट हमारा वो था लो इनकम अकाउंट्स इन सेल वाउचर। तो आज तक का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया।